ओम शांति। कहा जाता है बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, तो बाबा ने कहा अपने आप को बिजी रखना है ईश्वरीय सेवा में, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। क्योंकि अगर हम मनसा में जो बाबा महावाक्य सुनाते हैं वो सुनते हैं, उनका मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, और कहीं भी बुद्धि नहीं जाती है, तो ज्ञान का मंथन चिंतन करें और चिंतन करने के बाद प्यार से किसी को भी समझाना है, बाबा का जो भी ज्ञान है वो औरों को सुनाना है। साथ साथ बाबा ने कहा ट्रस्टी होकर के चलना है, घर परिवार जो भी है सब बाबा को समर्पित कर दो और स्वयं ट्रस्टी होकर के रहो। इसके साथ साथ बाबा ने कहा तुम इस यज्ञ के सर्वेंट हो, सर्वेंट सदा श्रीमत पर चलते रहो, और श्रीमत माना जो बाबा ने कहा उसको मान लेना इमीडिएटली, ये है बाबा की श्रीमत। तो सुनते हैं 16:10-21 के साकार बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिकरातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। क्वेश्चन है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। आंसर है, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे, जो कहे उसे मानना, इसको ही श्री मत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवानों वाच्य, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो हमको यहाँ आत्मा समझ करके बैठना है। मुरली सुनते हैं, वह भी आत्मा समझ करके शिव बाबा से मुरली सुननी है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हों। आत्मा क्या है यही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जानेंगे। बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझाने मिलती है कि मूल क्या चीज है। मनुष्यों को कुछ भी पता ना होने के कारण कितना दुखी हैं। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5,000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं, इसमें यह झाड़ ऐसे निकला, परंतु वह है जड़। चैतन्य झाड़ एक ही है, शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सत चित आनंद स्वरूप हूँ, मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है, यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की यह महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते, भल यह लक्ष्मीनारायण आदि देवताएं हैं उनको भी यह नॉलेज नहीं है। ये ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है, तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे,
तो यह ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना, तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो ना, तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बाकी ना शूद्र वर्ण को और ना देवता वर्ण को यह ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा से चलता है, जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो सत्युग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं, क्योंकि हर दिन त्यौहार होता है, क्योंकि जीवन में हर घड़ी उमंग उत्साह है। बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा से चलता है, जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए हैं। अभी तुम समझते हो सत्युग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं, वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहाँ तो राज्य करते हैं। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो, तुमको अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वह बेसमझ है। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी, उनकी निशानी, वह अपार खुशी में रहेंगे। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है जो ये नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी? सभी वेदों शास्त्रों सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उनको है। शास्त्रों में क्या है उनका सार बाबा बताते हैं, और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज वह बाबा देते हैं। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि कहते आए हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। समझाने वाला एक ही होता है तो और कोई जानेंगे कैसे? जब तक शिव बाबा नहीं आए वही समझाता है, तो वह इस नॉलेज को जान कैसे सकते? बाबा स्वयं आते हैं, आकर के नॉलेज देते हैं। कितना तुम मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप की संतान हैं, ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम नहीं जानते। विश्व भर में सब बातों चीज़ों को हम जानते हैं। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी हैं वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबर वार तो होते ही हैं। कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी है, कोई की रजो से सतो बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी है नहीं, बन रही है पर अभी बनी नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है, फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरपुरी में चले जाएंगे। तुम जानते हो अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होने का है। पवित्र होकर अमर लोक में चले जाएंगे। असल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पाठ बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हैं।
तो यह सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा ही नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, यह भी समझाना चाहिए। यहाँ हैं पतित, देवता तो कोई है ही नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा? बाप ही बना सकते हैं। अभी तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, जहाँ पर देवी देवताएं राज्य करेंगे। और कोई धर्म नहीं होगा। यह बड़ा बेहद का नाटक है। और तुम चैतन्य है ना, जानते हो इस झाड़ के बीज ऊपर में हैं। बाप भी इम्प्रेसिबल अविनाशी हैं, तुम भी इम्प्रेसिबल हो। अभी सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए हैं। कांटों का जंगल है ना, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ही बागवान हैं, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया कैसे पार हो, सो तुमको बैठ समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं, नैया आत्मा और शरीर दो चीज की बनी हुई है। गाते भी हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ, सो तुमको बैठ समझाते हैं। पतित तो शरीर भी पतित है, आत्मा पतित तो शरीर भी पतित है। अब पार कैसे हों और कहाँ जाएं? अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन आदि आदि, सत्युग से लेकर कलयुग तक सब राज्यों को जान गए हो, फिर भी बुद्धि में यह क्यों नहीं रहता? जान गए तो बाबे कहते, बार बार क्यों भूल जाते हो, बुद्धि में क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते हो? सदैव बुद्धि में यह टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे। आज बार बार बाबा बच्चों को खुशी की बात बता रहे हैं। तीन चार बार बाबा ने कहा, ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, नॉलेज बुद्धि में हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ हैं हमको ले जाने। जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बातें, जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा, वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं, सिर्फ बाप कहते हैं, हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, सुख का सागर आदि आदि, तो जरूर मैं तुमको ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो, बरोबर 84 का चक्र खाए, अभी हम अंत में हैं। फिर बाप हमको पहला नंबर में ले जाता है। यह नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी ही होती है। यह भी नॉलेज भी है, और नॉलेज के साथ साथ धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को, जब कोई मरता है तो करनी गौर को देते हैं ना। यहाँ तुमको जीते जी देना है। राजयोग भवन में भी अक्सर ऐसा होता है, जो घरों में पुरानी चीज़ें होती हैं, नया सोफ़ा लिया, बाबा के घर पुराना डाल गए, नई डाइनिंग टेबल ली, बाबा के घर में डाल गए पुराने वाला।
तो बाबा वही कह रहे हैं, किचड़ा जो होता है वो तुम मुझे देते हो और मैं 21 जन्मों के लिए देता हूँ। कोई ये नहीं सोचता कन्याएं पवित्र आत्माएं रहती हैं, उनको हम यूज करने वाली चीज़ क्यों दें, नहीं क्यों ना दें। आप नहीं यूज करेंगे और ये कन्याएं पुरानी करेंगे, सोचने की बात है। मगर फिर भी चलो, जो भी जैसा कोई देता है हम स्वीकार कर लेते हैं और उसको अच्छा बना करके बाबा के घर में यूज करते हैं। फिर बाबा आपको नया देगा सत्युग में। तो ये भी हम लोगों की आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है कि आप पुराना दो और बाबा आपको नया दे। तो बाबा बता रहे हैं, जब कोई मरता है तो करनी गौर को देते हैं ना, यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाप कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, मरने के बाद कोई दे या ना दे आप जीते जी दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी हैं वो ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना, शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मों अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो, हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय है सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं, वह है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि बाबा हमको फिर से 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सत्युग में यह ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में भी फिर कहाँ से आएगा। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, ये कौन थे, इन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये कर्मों का फल है ना। तो बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। भगवान वाच्य है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। महा मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। यह वही बम्स मिसाइल्स हैं, ये वही विनाश का समय है। जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का जरूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ के हम ब्राह्मण कौन हैं, सर्वेंट हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वो मानना चाहिए, श्री मत पर ही हमको चलना है। बाबा ने कहा हमने माना, इसको कहा जाता है श्री मत। यह भी तुम जानते हो, श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सीजरे को, सीजरा होता है ना वो बढ़ता जाता है। बाबा ने खुद सीजरा बनाया है, यह भी सीजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं, निराकारी सीजरा फिर साकारी होता है। तो पहले पहले नंबर में है प्रजापिता ब्रह्मा, वो जिस्मानी वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। कहते भी हैं पति दुनिया में आकर के पावन बनाओ, पल्ले तो कभी होती नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए,
ये बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो। दो फादर सिद्ध होते हैं ना, उस फादर के होते हुए भी लौकिक फादर के होते हुए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। तो इसे सिद्ध होता है दो फादर हैं, सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, आत्मा ही पुकारती है दुख करता सुख करता लिबरेटर आओ, हमको घर जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले, ज्ञान और योग के दो पंख ये माया ने तोड़ डाले हैं, कोई घर वापस जा नहीं सकते। अभी तुमको अपनी ज्योति को आप ही जगाना है। जितना ज्ञान का ग्रंथ डालते जाएंगे आत्मा रूपी ज्योति जगती जाएगी। तो बाबा कहते हैं आप ही अपने ज्योति को जगाना है, बाप को याद करने से ग्रंथ पड़ जाएगा। ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती, कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, खास वहाँ एक मुकरर रखते हैं जिसमें ग्रंथ डालते जाओ, नहीं तो अंधियारा हो जाए। अभी तो योग बल से तुमको ग्रंथ डालना है तो घोर अंधियारे से सोझरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सत्युग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा है। वह तो कुछ भी समझते नहीं फिर भी समझाया जाता है ये राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करें कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी बाप ही बनाते हैं, बाप कहते हैं मन मना भव। तो तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है। सिवाय बाप के और कोई जीत पहना न सके। तो बाप कहते हैं देखो बच्चे तुमको क्या से क्या बनाता हूँ। अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। ज्ञान से ही विकर्म विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पी भी हैं। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है, सत्युग में योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, ये राजयोग है। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए राजाई का वर्षा देते हैं। तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। बाप कहते हैं अलभ को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। यह तो बहुत सहज है, तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। इतना बड़ा टाइटल बाबा दे रहे हैं, भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। बाप के पास बैठ थोड़ी जाना है, हमको तो पार्ट बजाना है, इसमें देही अभिमानी बनना है। वर्तमान संगम युग पर जो हम पार्ट बजा रहे हैं विशेष हमारा पार्ट है देही अभिमानी बनने का, क्योंकि आत्मा वापस घर जाएगी वो अभ्यास पूर्व से ही चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। सेकंड पॉइंट, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन बाप को याद करना है। जीते जी सब कुछ बाप को देकर ट्रस्टी बन करके एक बाप को याद करना है। वरदान है अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इस अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो, यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैं पन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति से मैं पन को समाप्त करो। आज का तपस्या का पॉइंट, साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। इसमें पहला पॉइंट है विनाशी साधनों के आधार पर आपकी साधना नहीं हो सकती। खत्म हो जाने वाले जो साधन हैं उनसे हमारी साधना नहीं हो सकती। साधन निमित्त मात्र हैं। बाबा ने जो इतने सब ये साइंस की देन है, साधन दिए केवल निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण करने का आधार है। इसलिए अब साधना को महत्व दो, साधना को महत्व दो। साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधन तो खत्म हो जाएंगे, जो आत्मा अविनाशी है वो साधना करती है, वही साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। तो वर्तमान समय हम साधना को विशेष महत्व दें और वह साधना करें जिससे हमें सिद्धि की प्राप्ति हो। ओम शांति।